अभी कुछ केस होता है, ज्यादा नहीं, पर डे दो तीन केस ऐसा होता है, तो मैक्सिमम केस माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक। सर किसी का डेथ होने का कोई खबर ना? डेथ होने का खबर नहीं है। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने पहले सीसीयू को कोरोना का वो बनाया था वही है या आप लोगों ने इसको? वो भी है। अच्छा, और हम लोग सीसीयू जरूरत होते तो सीसीयू में डालते, ज्यादा नहीं, एक दो केस का जरूरत हुआ, मैक्सिमम ही माइल्ड है। और हम लोग नया गाइडलाइन अनुसार प्राइमरी डिजीज कुछ अलग होते तो लाइक सर्जरी मेडिसिन का कुछ केस है तब हम लोग ओ वार्ड में एक कॉर्नर करके रख के और नहीं तो एक अलग छोटा रूम में रख के हम लोग ट्रीट करते हैं। ये नया लेटेस्ट गाइडलाइन है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे अभी पब्लिकली? हाँ, मैसेज तो यही है कि हो सकता है डिजीज को सीवियरिटी थोड़ा कमती हो गया लेकिन खतरा अभी भी है। किसी को खतरा नहीं है, नहीं है खतरा, पर्टिकुलरली एजेड ओल्डर पीपल और जिसको दो तीन कोमोरबिडिटी है उसको खतरा है। इसलिए सबको ही मैं बोलेंगे कि मास्क पहनना जरूरी है, मास्क पहन के बाहर जाइए, जरूरत ज़्यादा नहीं होगा तो इधर उधर मत घूमिए और सैनिटाइजर यूज कीजिए। ये सावधानता अभी भी मेंटेन करना है। सर ये गैस प्लांट बार बार जो डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए आप लोगों ने कुछ काम किया सर? सबको कम्युनिकेट किया, दो तीन बार उसको इंजीनियर भी आया, कुछ पार्ट्स भी चेंज किया। लेटेस्ट पोजीशन इज इट इज वर्किंग, ऑक्सीजन प्योरिटी एंड प्रेशर हो रहा है, लेकिन जब भी कोई वेदर का डिस्टर्ब होते साथ साथ वेदर का डिस्टर्ब होने के साथ साथ ही प्रेशर और प्योरिटी कम हो जाते। इन दिस सिचुएशन हम लोग तो पेशेंट को नहीं दे पाएंगे तो उसको बारे में डिस्कस किया सब इंजीनियर के साथ और अल्टीमेटली एक इंजीनियर कंप्रेसर को इंजीनियर बोला शायद प्लेन्स में जो कंप्रेसर काम करते ये ऐसा है, इधर हिल्स में थोड़ा कंप्रेसर को कैपेसिटी बढ़ाना होगा। ये हम लोग लिखा है डीआरडीओ के, डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है ये, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया, डीआरडीओ के लिखा, देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। दोस्तों अभी फ्री फॉर ऑल अबव 18 हो गया, पहले था ओनली अबव 60 एंड हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, बाकी लोगों के लिए फिर पैसा देना पड़ते थे, लेकिन अभी बूस्टर डोज सबको फ्री हो गया अबव 18। बिलो 18 का तो बूस्टर डोज का टाइम नहीं आया अभी तक, तो इसलिए सबको बोलेंगे ये जो डिजीज को इफेक्ट अभी थोड़ा कम हुआ हम लोग का अच्छा से वैक्सीनेशन वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा वैक्सीनेशन हुआ, सब वैक्सीन सेकेंड डोज तक मैक्सिमम लोग ले लिया, इसको प्रभाव जरूर है डिजीज माइल्ड होने के बारे में। तो मैं बोलेंगे बूस्टर डोज का टाइम मैक्सिमम आदमी को हो गया, आप सब लोग जल्दी ले लीजिए, जरूर ले लीजिए। हम लोग सब बूस्टर ले लेंगे तो ये डिजीज और भी माइल्ड हो जाएगा और जिसको होगा उसको भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सेंटर कहाँ कहाँ पे रखा गया सर ये थर्ड बूस्टर? हम लोग का तो एक तो इधर हो रहा है, हम लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर रहा है, अभी गवर्नमेंट हॉलीडे छोड़ के मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर रहा है और इडन हॉस्पिटल में, कल नहीं होगा, कल शहीद दिवस है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडे हम लोग 3 डेज पर वीक करते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि आदमी को वेस्टेज वैक्सीन वेस्टेज भी होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग अभी 3 डेज वीक रखा है और कैपिटल हिल में कैपिटल हॉल में भी हो रहा है।